दादी, किसी ने पूछा है कि बाप दादा आपके तन में आते हैं तो आपको उस समय क्या फीलिंग होती है? शुरू से ही जब बाबा का आना शुरू हुआ तो बाबा साकार बाबा के संस्कार होने के बाद हम तो वैसे ही भोग लगाने बैठे हैं, क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार का ये नियम है कि जो भी शरीर छोड़ता है उनको 13 दिन उसका भोग लगता है। पहले दिन जरूर लगता है, जब शरीर का संस्कार हो जाता है तो सभी तैयार होके पहले भोग लगाते हैं। रोज भी क्लास में कुछ न कुछ 13 दिन उसके प्रति भोग रखते हैं, थोड़ा सा ही जो उस आत्मा को स्वीकार कराते हैं। तो बाबा के संस्कार के बाद हम भोग लगाने के लिए बैठी थी, लेकिन बाबा को आना है ये मुझे भी पता नहीं था, और बाबा का पाठ चलना है ये भी पता नहीं था। जैसे क्वेश्चन सभी के थे, क्योंकि अचानक बाबा का हुआ था तो सबके मन में ये क्वेश्चन थे। तो बाबा अव्यक्त तो हो गया तो सेंटर कैसे चलेंगे, मुरली कैसे मिलेंगी और डायरेक्शन कौन देगा, ये सबके क्वेश्चन थे, हमारे भी क्वेश्चन थे। लेकिन जब भोग लगाने बैठे थे तो अचानक उसी दिन बाबा आया था। ये जो पाठ हमारा शुरू हुआ उसी दिन बाबा अचानक आया था, और उसी दिन ही मैं समझती हूँ सारे क्वेश्चंस का उत्तर दिया था। तो सभी के मन में जो दुविधाएं थी ना, क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, तो वो बाबा ने सभी उत्तर देने थे, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन चलेंगे तो थे तो ऐसे ही ना, क्या क्यों, इसीलिए बाबा ने फौरन ही स्टॉप करने के लिए आए थे। तो पहले दिन से हमें ये अनुभव है कि जितना समय बाबा हमारे बॉडी में शरीर में आते हैं, यूज करते हैं हमारी बॉडी, उतना समय मेरे को कुछ पता नहीं होता है। आत्मा तो मेरी यहाँ ही होती है शरीर में, क्योंकि आत्मा अगर 4-4 घंटा निकल जाए तो प्रवेश होना मुश्किल है। इसीलिए होती तो आत्मा हमारी इसी शरीर में ही है, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस, मैं गुलजार हूं, ये कॉन्शियसनेस जो है वो मर्ज होती है। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो में या टीवी में आप जो भी आपको लाइन, क्या कहते हैं इसको, टीवी चैनल में क्या करते हैं, चैनल टैनल, हाँ चैनल चैनल, चैनल जो भी आप खोलो उसका आपको आवाज आएगा। बाकी चल तो सभी चैनल रहे हैं ना उस समय, ऐसे नहीं है बंद होते हैं, लेकिन स्विच हमारा बंद होता है। इसीलिए चैनल चलते हुए जिसका हम स्विच खोलते हैं वही हमको सुनाई देता है, देखने में आता है। इसी रीति से हमारे को बाबा जो सभा में होता है, मिलते हैं आते हैं जो भी होता है, इसका कॉन्शियसनेस हमारा बंद होता है। लेकिन मेरी क्या स्टेज होती है, इतना समय मैं अपने को बिल्कुल ऐसी मीठी साइलेंस में अनुभव करती हूँ, बहुत अच्छा अनुभव होता है उतना समय, एकदम जैसे डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस, एकदम जैसे बाबा के लव में लीन हूं या बीज रूप हूं, वो भी कुछ नहीं होता है, लेकिन एकदम स्वीट साइलेंस के स्टेज में जैसे मैं मग्न रहती हूं। इसीलिए मुझे लौट के आने में थकावट नहीं लगती है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी स्टेज से लौटती हूँ। तो स्वीट साइलेंस के स्टेज से लौटने के कारण मेरे को थकावट भी नहीं होती, और जो यहाँ चलता है वो कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन क्वेश्चन दूसरा कोई करते है तो आपको ये नहीं आता तो मैं भी सुनती तो अच्छा है। लेकिन मैं
ये फायदा समझती हूँ कि जो स्वीट साइलेंस का बाबा हमको अनुभव कराता है वो हमारे लिए इतना ही अच्छा है जितना मैं सुनू। और सेवा होती है मेरे शरीर द्वारा, उसकी खुशी और दुआएं जो है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं उठता है। मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे अनुभव दादी का, कैसे बाबा आते हैं।